करके दिखा डांस। कुंडी सोटे आला ही दूसरा चलाओगी, मैडम हो रही है ना पूरी। ओहो भैया दोनों गाने इसके बहुत फेवरेट हैं। ठंडी ठंडी हवा चल कुत्तरी के। ओ ठीक है, ये कौन सा चलाओगी? मैडम हो रही पूरी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो सारे? वे बढ़िया हो गए, गुड मॉर्निंग सभी को। और भाई देख लिया ना वो को, देखो यहाँ बैठी है और मैं वेट कर रही हूँ भाई, बस मगल एक बार नहा लूँ क्योंकि वो ले आज ही हो। मैडम नहा ली पहले, बोली मैं नहाऊंगी मम्मी, या तो मैं पहले नहा लेती। अब वो नहाने लग रहे हैं नवू के पापा और फिर हम नहाएंगे, तो मगर इतना चल बैठ जाते हैं कुछ शूट कर लेते हैं। तो यो मैडम ने अपना पापा का फ़ोन ले लिया, तो गाना करके मगर ले आप सबके साथ शेयर करूं। देखो ओहो ओहो, और मिलते हैं अब आपसे नहा के। हम ले ही हैं भाई ना, और लगा लो काम भी निपटा लिया मैंने, कई खाना बन चुका। मान जाए पावड़ी, ये प्लास्टिक मत पड़े मेरे खाने में। और यहाँ बन गया भाई खाना, आज बनाए करेले, बहुत टाइम लग गया। और ये आदि के लिए बनाए थे आलू उबाल के, जीरे का चौक लगा दिया करूँ, खुश हो खा ले सुबह सुबह नु करेले बनाने में टाइम लग गया, नाराजी हो खाता। और ये नवू ने देखो क्या हाल कर रखा भाई, अच्छा खाना बनाना सीखा। ये आदि ने सिखाया भाई इसको पानी का, मैंने कही थी बेटा पानी का मत सिखा इस तरह, आज यार ना वो असली का खाना बनाएंगे। ये सारे का गिल्ला कर रखे, क्या दूं क्यों खाना नहीं खाना। चलो भाई खा लेते हैं खाना। भाई सर मैं आ चुका हूँ घर से और बारिश हो रही बहुत है और 3:36 हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ ऊपर, देखते हैं क्या कंडीशन है ऊपर, ट्यूशन जा पाऊँगा या आपको आवाज से पता चल बैक कैमरे से। बहुत तेज बारिश आ रही है लिटरली। बारिश देखो ना ऐसी आ रही है और यहाँ का सब कुछ गीला हो चुका है, देखो इधर चलो भाई चलते हैं मुझे भाई। यहाँ हो चुकी है भाई शाम, खाना वाना खा के लेट तक ही गई थी, फिर ना वो सो गई थी सही टाइम पर। तो इनकी घर की चप्पल लेके आई थी मैं उस दिन बाजार में, गई थी भाई पीढ़ी में जाना था, तो उस दिन भाई उस लड़की के लिए ड्रेस और एक गिफ्ट लेके आई थी मैं, तो उस दिन घर की चप्पल लेके आई थी, तो बड़ी थी मगले चेंज करानी है, काम नहीं चलता घर की चप्पल के बिना। तो एक सूट का लफड़ा आपको पता चल रहा है मेरा कब से चला हुआ है कि जो सूट तिरछा हो रखा है, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है भाई कि मेरा कौन सा सूट ख़राब हो रखा था। वो सूट मुझे कभी मार्च में पहनना था, मार्च में उसकी सलवार सिल गई थी लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, कुछ सूट की सलवार तो दरी भी तक प्रेस हुई। यो है वो सूट की बाजू और यो कढ़ाई है इस पर, और ये वाला कलर चाहिए था मुझे प्रॉपर यार, इसके चक्कर में मैं इतनी आंडली हूँ, इतनी आंडली हूँ भाई, बहुत गणी कह रहा ना कितना नहीं मिलता यो कलर भाई वाकई में। और आज मुझे मिला है कुछ ये कलर, देखो डिफरेंस है भाई सही बताऊँ, पर कुछ खास नहीं है, हल्का फुल्का है, चल जाएगा क्या करूँगी। पर मैंने सोचू थी अगर सेम मिल जाता तो बाजू यही लगा लेती, पर अब मैंने सोचू इसने इसके साइड का जो चाक होया करे भाई सूट के जो चाक की ऐसे पट्टी है वो कढ़ाई है, उस कढ़ाई को कट करूँगी इसके यहाँ लगाऊँगी साइड की चाक में। और अब इन बाजुओं को भी कट करके भाई बॉर्डर की तरिया लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कढ़ाई है वेस्ट जाओगी, बस क्या करें मूड ख़राब होगा। पर फिर भी
डाई ना करवाना चाहूँगी मैं, क्योंकि यो कलर ऐसा भी जरूर जाएगा। पर नू है चलो मिल गया, पर कपड़ा ही चला गया जनू, ये लगेगा वो तेन पता ना लगे। अब इतनी नॉलेज भी हमने भी कोना कपड़ा की, तो यो ढाई मीटर लेकर आई हूँ 120 रुपये मीटर। देखो आप लग ने फर्क लग गया है कि देखियो, पर नू है चलो इतना तो फर्क चल जाऊँ भी। कई बार सूट सेम कलर के हुए हैं तो उनका कपड़ा अलग हो ना सूट सलवार का, तो उनमें भी हल्का फुल्का डिफरेंस होगा। तो चल मगा इतना मिल गया ये भी ठीक है। तो अब इस सूट को आज तो है सैटरडे, अदा मंडे ने पहन लेती है, अगर पहला आ जाता तो सेम के परसों व्रत वाले दिन मंदिर जाऊँगी, अदा ये भी इसको इतना सिल लूँगी। सलवार इसकी सिली धरी है, कब की बेचारी बाट में बैठी है, कद पहन लग जाएगा। तो आज इसको देखती हूँ, आज तो नहीं अभी जाएंगे भाई नीचे। देखो आज रीना ने क्या प्लान कर रखा कि है जूठ भाई वो नहीं खा के चीनी नूंगा मम्मी ऊंची बनेंगे। ले अब फोन का स्टैंड की जगह बेटा, अब चलो मिलते हैं फिर आपसे नीचे चल कर। हाँ यहाँ भी आप सोचोगे कि तैयार हो रही कि नहीं तैयार नहीं हो रही, जो उस दिन का सूट लग रहा ना तो ड्राई क्लीन तो करवाना है सूट में, एक दो रील बना लूँ उसमें। और आप बाज़ार में गई तो सिर्फ बताऊँ ले कभी ना गई, इसी वजह ना ले गई क्योंकि एक दो रील बना लूँगी बस। एक ही सॉस का पैकेट छोड़ गया है वो, और यो आदि ले आया भाई सैंडविच लक्ष्य लगता होगा नीचे, तेन बोला एक ले आऊँगा फिर मगा एक ले आऊँगा तो भैया अमीर होगी तो मैं तुम्हारा वो ले कर गया अपना नीचे ऊपर ना ला सकिए ना जी। और देखो ओए ये तो दो हैं, अच्छा ये पूरा है बीच में तो कट कर रखा है। खा लो क्या आप इसको, एक को फोल्ड कर देंगे पहले गर्म रहा होगा थोड़ा, और खा ले भाई भूख सी तो लग गई ज़्यादा शाम में। जाने ना वो तेरे शांति तो होती ना बेटा, क्या है चीज़ की वैसे लो इसमें चीज़ वगैरह है ही हो नहीं नहीं लगा रखी है। खा लो चलो भाई खा के मिलते हैं, और आ जाना भाई जिसको खाना है फिर करूँगी कपड़े चेंज, मगा ले पहले खा लूँ इसे, रुकती कौन है इतने हो बड़ी मम्मी के साथ चली जा बार वाला देख ले तू, बार वाला देख ले। चलो भाई रीना बना रही है भाई शॉर्ट वीडियो, चलो स्टार्ट करो, गला ठीक करो रीना। हेलो गाइज वेलकम टू द रोल रिएक्शन, मैं रीना खत्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रोल रिएक्शन पे। सो गाइज आज मैं आज एक और रिव्यू वीडियो लेके रहो कि अंजानी की प्रेम कहानी, जिसमें हमें एक काफ़ी हॉट जोड़ी देखने को मिली है। पहली बार रणवीर और आलिया एक ही पर्दे पे देखने को मिली है जो कि आज तक हमने नहीं देखा है। तो पहले बात करती हूँ केमिस्ट्री, काफ़ी धमाकेदार केमिस्ट्री थी, चाहे वो एक पुराने कपल की हो चाहे अभी नए कपल की हो, और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी और हॉट सी रोमांटिक सी यू नो लव स्टोरी को डिनोट करता है ये। लेकिन करण जौहर की फिल्म में अब की बार करण जौहर कुछ नया लेके आए हैं, हमेशा फैमिली का रोल रहता है लेकिन एक साइड उस पर रहता है, लेकिन पहली बार फ्रंट फुट पर आई है फैमिली, एंड फैमिली को लेके ही पूरे पंगे पड़े हुए बड़ी मस्त से उसमें पूरी। और यहाँ भी आ गए थे ऊपर, ऊपर आकर भी खाना वाना बन गया था, सारा काम हो गया था। तो ये केले लेकर आई थी माँ भाई कीर्तन में, तो केले रखे हैं अभी सारे का संगवान लग रही हूँ। हर टाइम देखो इतना बुरा हाल करे रखा है ये आदि, तो भाई इतना सियाणा हो रहा है, पर यह मैडम है ना कभी खिंडाए रखा ही, वो सामान ही सारा आ दिया ले सारे का खिंडाए रखा, तो इसने डाल लग रही मगा बेटा इतना खेलती तो इसने डाल दूँ, मगा तो बोल के साथ खेल लिए पूल में। पर जो व्लॉग पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है भाई प्लीज़ लोग पूरा देख रहा, लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मगा बेटा तू भी डलवा साथ में ना, वो काम करवा इसको समझा रही थी। और रीना ने भाई वही वीडियो बनाई, वो बोल तो रही थी भाई गेम की वीडियो के लिए, फिर मगा रीना काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि भाई मैंने बनाई वीडियो उस टाइम पर उसके पापा सो रहे थे पहले, फिर उसने कुछ अपनी वो वीडियो बनाई भाई एक मिनट एक फिल्म की उस पर रिव्यू दे रही थी वो, उसमें टाइम लग गया, फिर मगा लेट हो जाएंगे भाई रोटियाँ रीना, कोई नहीं मगा आज तेरी एक बन गई है और मगा कल ट्राई कर लेंगे, बोली ठीक है तो चाची फिर बाद में करते हैं, बोली आज सिर्फ एक ही बना लेते हैं, तो इसलिए भाई मैं आ गई थी फिर ऊपर। मम्मी सोने दो है, ये गंदे कपड़े ये मेरे
रहे भाई, मेरे पे एक भी कपड़ा नहीं हुआ अभी तक प्रेस। नवू ने दो कपड़े प्रेस कर दिए। नवू और पापा किस टाइम आएंगे? 9:30 बज गए। यादि की शर्ट है, ये टी शर्ट है, बोलिए टी शर्ट। हाँ तू यहाँ रखना, रखने मैं करती हूँ। किसके हैं ये? और भाई सारे का भाई संगवा दिया था, चादर वादर ठीक करके फिर प्रेस भी कर ली थी थोड़े से कपड़े थे, क्योंकि जो कल धुए थे वो थोड़े से कल हुए थे जो सूखे थे थोड़े। आज पैंट वगैरह थी भाई, वो आज मैंने कर दी है। अरे मैं मुँह कर रही हूँ ईसा भाई, नाटक देखने लग रही हूँ। तो फिर जो दिन में कपड़ा लेकर आई थी, मगले इसमें और प्रेस मार लूँ साथ में, प्रेस मारे तो मगले बिना इनर का है तो इसको भी कटिंग कर देती हूँ साथ में। इधर ये भी आ गए थे, इन्होंने भी खा लिया था खाना। और ये दोनों भाण भाई लग रही थी इसमें खेलन, मुश्किल आता फ़ोन का पेंडा छुड़वाना पड़ा है इस छोरी तरह। देखो ये फिर ये केटली वेटली निकाल के बाहर रख रखी है, सामान खिंडाण में कति आगे रहे है। बस जब ये नू हो जाना ये सामान डल गया तो खिंडाते ही मम्मी ने पानी याद ही नहीं सा, पानी का गेम सिखा दिया इससे, परेशान कर ही रहे है बस। और पर मेरे को इस सूट में ऐसे डाउट लग रहा है जैसे भाई कपड़े में जैसे इनर लगेगा, अजीब सा एक कपड़ा है, मिक्स मिक्स सा, ना तो सूती लगता ना रेशमी सा लगता। मैं कदे अड़े सिलने भी मैं कहा फिर खुसट जा, तो देखती हूँ भाई इसमें इनर लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी। ले मगा कटिंग और कर देती हूँ साथ में, मगा बाजू बाजू बाद में काटूंगी। तो प्रेस करी थी साथ में, और ये मैडम उठा लेगी थी मेरा चौक, चौक जब भी उठा ले भाई जब भी मौका मिलते है चौक ने खा जा है। और देख लो मेरे मारन लग रही है, मैंने छीनना है तो इस तरह। और भाई क्या बताएं भाई, कई आगे सूट ख़राब हो रहे होंगे के बताऊँ और बस। पर नू है फिर भी ये सूट मिल गया ना, फिर भी आधी टेंशन सी मेरी ख़त्म होगी, क्योंकि मेरा टाइम नहीं रहता बाजार में। मैं जितनी बार जाऊँ थी कितनी बार हर दुकान पर पूछा है, हर उसमें फ़र्क मिल जाता है, हर उसमें मतलब सेम कपड़ा देख लो मिला नहीं। पर क्या करना, ना ज़रूरत होती ना तो ये रंग भी मिल जाए, पर ज़रूरत ना हो और ज़रूरत हो तो चीज़ मिलना नहीं करे, वो एक काम हो रहा है भाई। पर चलो ठीक है, जैसा मिल गया अब इसमें काम चलाना पड़ेगा। पर नू है पहना तो जाएगा ना, तो यार पूरा ये सूट ख़राब हो गया, वेस्ट जावे। तो मैचिंग करती तो वो कढ़ाई उड़ाई का भी सिस्टम ही साथ था, फिर अच्छा नहीं लग गए, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है। चलो अब चल जाएगा काम। और ये दोनों लग रहे भाई खेलन, और मिची मिची देख यो क्या है यो
मंकी बैठ जाओ बैठ जाओ। वाह ये वाह। हेलो गाइस। हेलो हेलो गाइस। हम तो आउट मैन आउट खेल रहे हैं है ना नबू। बैस बैस ही गिर जाएगा। अरे रुको कर मैं रुक खेल। मैं है ना यार संभाल के डाल रहा हूं। आओ मैं उड़ाऊंगा मैं उड़ाऊं। तो आउट मैन आउट चिरू। तो आउट मैन आउट मोर चिरू। पता उड़ कपड़ा उड़ गल गल खोल ले मैं आप भी मेरा नाम सैम है।